आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर में मेलिंग का क्या काम होता है, मेल मर्ज का हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि मेल मर्ज होता क्या है। तो मेल मर्ज का डिफिनेशन हम एक लाइन में यहाँ पे लिखे हैं, टू मेल द सेम बॉडी ऑफ लेटर एंड डिफरेंट थाउजेंड एड्रेस। कहने का मतलब है कि ये मेल मर्ज वैसे जगह पे लागू होगा जहाँ लेटर का बॉडी सेम होगा। इसमें हम लोग को टू डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक को डाटा सोर्स बोलते हैं और दूसरा आपका मेन डॉक्यूमेंट होता है। तो डाटा सोर्स में हमारा एड्रेस होता है और मेन डॉक्यूमेंट में हमारा लेटर होता है। तो हम इस दोनों डॉक्यूमेंट्स को कैसे मर्ज करेंगे, ये हम लोग को मेल मर्ज में समझना है। तो मेल मर्ज में सपोज कीजिए कि हमको 500 आदमी को या 1000 आदमी को चिट्ठी लिखना है। 1000 आदमी को चिट्ठी लिखने के लिए हमारे पास 1000 एड्रेस होना चाहिए और उसको एक लेटर पे इस टाइप का हम एक लेटर तैयार किए, उसमें हम लोग कैसे मर्ज करेंगे, ये हम लोग को मेल मर्ज में समझना है। तो हम ये अगर हमको 1000 आदमी को लेटर लिखना पड़ेगा तो 1000 बार हमको लिखना पड़ेगा। तो ये ऐसा फैसिलिटी मेल मर्ज में ही है जिसमें हम लोग एक साथ दो डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करते हैं और मर्ज करना हम लोग इसमें सीखेंगे। तो हम यहाँ पे बताएं आपको कि मेल मर्ज होने के लिए दो डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरत है, एक डाटा सोर्स जिसमें हम लोग का एड्रेस होगा, दूसरा मेन डॉक्यूमेंट जिसमें हम लोग का लेटर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग को डाटा सोर्स बना लेना है। तो मेल मर्ज करने का दो तरीका है। सबसे पहला तरीका है, आप मेलिंग में जाएंगे तो यहाँ पे लिखता है स्टार्ट मेल मर्ज, लेटर लिखता है और इसमें हम लोग ये ऑप्शन सब है कि इसको यूज करके देखेंगे। तो पहला तरीका है कि हम डाटा और लेटर तैयार करके हम लोग इसको मर्ज कराएं, और इसमें दूसरा कंसेप्ट होता है कि हम बाद में भी लेटर लिखें और बाद में भी डाटा बनाएं। ये दोनों तरीका है जिसमें हम लोग आज पहला तरीका हम आपको बताएंगे कि हम डाटा भी बना चुके हैं और लेटर भी तैयार कर चुके हैं, इसको हम लोग इस पर मेल इसको हम लोग मर्ज कैसे करेंगे, ये हम लोग को मेल मर्ज में समझना होता है। मेल मर्ज का कंसेप्ट भी यही होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको हम पढ़ाया है डाटा सोर्स बनाने के लिए कि आपको टेबल में जाने होंगे। टेबल में आपको पढ़ाए थे कि कितना आप क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाके नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम लेंगे और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। नेम एड्रेस सिटी पिन कोड और मोबाइल नंबर सपोज कीजिए कि हम भरे हैं, इसको सेव करके आप इसको बंद कर दीजिए। सेव करने के बाद हम लोग इसको कोई यस नाम दिए हैं सपोज कीजिए और आप इसको क्लोज कर दीजिए, तो ये आपका बंद हो गया। सेकेंड में क्या करना है कि आप एक लेटर तैयार करना है, क्रिएट लेटर, यहाँ पे हम एक लेटर का सिंपल बनाए हैं, ये आप लेटर तैयार करिए और लेटर तैयार कर लेने के बाद आप इसको बंद कर लेंगे और तब हम लोग मेल मर्ज का स्टेप करेंगे। तब मेल मर्ज हम लोग करेंगे कि हम लोग का मेल मर्ज का स्टेप क्या है, मेल मर्ज हम लोग करेंगे कैसे, ये हम लोग को मेल मर्ज समझना है। तो ये हम लोग का मेल मर्ज का कंसेप्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अब इस स्टेप को समझते हैं कि करेंगे कैसे। तो सपोज कीजिए कि हम यहाँ से इस लेटर को कॉपी कर लेते हैं, हमको ये लेटर ऑथेंटिक लेटर कोई नहीं है, हम समझाने के लिए एक लेटर तैयार किए हैं कि इस लेटर पे हम लोग को मेल मर्ज करने का कंसेप्ट क्या रहेगा। तो इसको हम कर लेते हैं, कंट्रोल सी से आप कॉपी करिए, कंट्रोल एन से एन मारते हैं और सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं, हमारा एक लेटर तैयार हो गया, ये लेटर तैयार है। अब इस पर हम लोग को मर्ज करने का कंसेप्ट हम लोग को सीखना है कि हम लोग ये कैसे करेंगे मेल मर्ज। ये हम आपका हो गया, यहाँ पे आपका हो गया, ये लेटर है हमारा। अब इस पर हम लोग कैसे मर्ज करेंगे, टू के बाद हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे सबका नाम हो, एड्रेस हो, मोबाइल हो, पिन हो और एक साथ 10, 20, 25, 50 लेटर कैसे मर्ज करेंगे, हम लोग को मेल मर्ज में समझना है। तो सबसे पहले आज हम इसका स्टेप चालू करते हैं। आप मेलिंग में जाइए, मेलिंग में जाने के बाद आपको डिफरेंट टाइप से यहाँ सारा एक ऑप्शन सब दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट मेल मर्ज करेंगे, इसमें लिखा हुआ है लेटर, ईमेल, मैसेज, इनवेलप, लेबल, डायरेक्टरी, नॉर्मल डॉक्यूमेंट, स्टेप बाय स्टेप विजार्ड, हम सबको आपको बारी बारी से पढ़ाएंगे। सबसे पहले आज हम लोग लेटर बनाना सीखेंगे। तो लेटर पर क्लिक करिए, हो गया। नीचे लिखा हुआ है सेलेक्ट रेसिपिएंट, ये सेलेक्ट रेसिपिएंट में दो टाइप का है, टाइप न्यू लिस्टिंग, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट या सिलेक्शन फ्रॉम। तो टाइप न्यू वाले में हम आपको बाद में बढ़ाएंगे, सबसे पहले हम आपको चर्चा किए हैं कि यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, इसका मतलब है कि हम पहले से बना के रखे हैं उसको यूज करेंगे। न्यू का मतलब हुआ कि हम यहाँ पे नया भी बना सकते हैं, तो ये न्यू वाला हम बाद में करेंगे, पहले हम यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट हम लोग करते हैं। तो यहाँ से कीजिए,
तो ये हमसे नाम पूछेगा, नाम पूछेगा मतलब आपका फाइल कहाँ पे रखा हुआ है। सपोज कीजिए हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर में यहाँ पे हम लोग फाइल सेव करके रखे हैं ये यश सिंह नाम से। अब जिस नाम से रखे हों यहाँ पे आपको इसको ओपन कर लेना होगा। ये हम ओपन कर लिए, ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए एडिट आया। अगर आपको सुधार करना होगा तो आप एडिट करके भी जा सकते हैं, हमको नहीं सुधार करना है तो यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएटिंग लाइन इंसर्ट मर्ज फील्ड दिया हुआ है। यहीं पे जैसे नेम आ गया, नेम के नीचे में हम लोग यहीं पे चाहेंगे हम लोग एड्रेस ले लें, हम यहीं पे चाहे कि सिटी ले लें, यहीं पे हम चाहे कि पिन कोड ले लें, और यहीं पे हम लोग चाहें कि मोबाइल नंबर ले लें। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इसके आगे सब काम को शो करें, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसमें लिख दें नेम, तो नेम के आगे नेम दिखेगा। यहाँ पे हम लोग लिख दें एड्रेस, तो समझने के लिए आप इसको एड्रेस लिख सकते हैं, आपका आपका एड्रेस रहेगा। यहीं पे हम लोग चाहते हैं कि उसका सिटी सिटी हो जाए तो आप सिटी लिख दें। यहीं पे हम चाहते हैं कि उसका पिन नंबर दिखे, तो ये हम जहाँ चाहे वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहीं पे लिखे, तो आपकी मर्जी, इसको आप जैसे यूज कीजिए। आपका ये ले लिया, तो ये ले लिया हमारा लेटर है। यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी अपीयर देख सकते हैं, यहाँ पे रूल बात में ये सब बताएंगे। प्रीव्यू रिजल्ट दिया हुआ है, आप चाहते हैं देखिए यहाँ पे दिखाया है, ऐसे आप यहाँ पे दिखा रहा है कि कैसा मेरा दिखेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट है 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 7 8 9 10, जितना आप डाटा बनाए हैं उतना का आप चाहें तो ये फिनिश करने से पहले हम लोग प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारा लेटर किस टाइप का बनेगा। तो यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट करके यूज करके हम लोग देख लिए। अब इसी में हम चाहते हैं कि मेरा अब फाइनल कर लें, अभी हम इसको मर्ज कर लें, तो लास्ट स्टेप फिनिश एंड मर्ज दिया हुआ है। अब इसको खोलेंगे तो लिखा हुआ है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट, सेंड ईमेल मैसेज। सपोज कीजिए कि हम ये एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करते हैं, तो इसमें जाएंगे तो हमसे ये पूछता है मर्ज रिकॉर्ड्स, ऑल दिया हुआ है, करेंट रिकॉर्ड दिया हुआ, फ्रॉम दिया हुआ है। ऑल का मतलब होता है कि जितना भी है सब, करेंट रिकॉर्ड माने जिसमें है उसका करेगा, और फ्रॉम का मतलब है सपोज कीजिए कि 5 से लेकर 10 तक या 1 से 5 तक, आपको जितना करने का मन होगा उतना ही हम कराएंगे। क्योंकि हमको अभी सारा करना है इसलिए हम लोग मर्ज रिकॉर्ड में ऑल कर देते हैं। ऑल करने के बाद आप ओके कीजिए, जो ही ओके करेंगे तो ये देखिए कि इस टाइप से आपका ये यहाँ पे मर्ज कर दिया है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे मर्ज करके देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये भी मर्ज कर दिया है। इस टाइप से हम लोग का देखिए 2 के बाद नेम ले लिया, नेक्स्ट देखिए 2 नेम 2 सन्नी हो गया। आप तीसरा देखिए रोहित के नाम से हो गया, चौथा देखिए डीसी के नाम से, ये पांचवा, छठा, जो जितना भी हम लोग बनाए हैं आपको ये एक बार में इतना लेटर तैयार हो गया। ये दोनों को मिला के तीसरा डॉक्यूमेंट तैयार होता है। हम इस तीनों को चाहे तो मर्ज करके दोनों को मिला करके एक तीसरा डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। इसको हम लोग ये लेटर 1 से सेव हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ले लिया है। आप चाहें तो इसको सेव करके आप इसको रख सकते हैं, सेव करके हम लोग जैसे चाहेंगे उसके हिसाब से हम लोग इसका काम करके आपका काम हो जाएगा। तो ये हमारा मेल मर्ज का कंसेप्ट हो जाता है। तो ये आपका मेल मर्ज का कंसेप्ट रहता है कि ये कैसे हम लोग इसमें कैसे ऐसे करेंगे। ये हमारा गैप ले लिया था, इस पैराग्राफ से आके इसको ठीक किए। तो ये हमारा मेल मर्ज का कंसेप्ट रहता है। तो हम लोग मेल मर्ज में जाने कि एक साथ एड्रेस रहता है उसको अलग अलग रिकॉर्ड पे हम लोग कैसे मर्ज करें। तो मेल मर्ज का कंसेप्ट होता है कि एक साथ एक लेटर है, लेटर का बॉडी एक है, और उसको डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस पे हम लोग कैसे मर्ज करेंगे, ये हम लोग को मेल मर्ज का कंसेप्ट होता है। तो ये दोनों को मिला के एक तीसरा डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है जिसमें आपका ये मर्ज किया हुआ डॉक्यूमेंट आया है। चाहे तो इसको आप सेव कर लें, सेव कर लेने के बाद आप इसको सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस दीजिए और इस नाम से ये पूछा, सपोज कीजिए कि 2 लेटर नाम से हम इसको सेव कर देते हैं, जिस नाम से चाहिए लेटर 1 दे देते हैं और इसको आप सेव कर लीजिए, और इसको आप जब चाहें आप प्रिंट आउट निकाल के मेल करके भेज करके आप इसको हम लोग भेज सकते हैं। ये हमारा मेल मर्ज का कंसेप्ट हो जाता है। मेलिंग में हम लोग स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज करना सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में, आज का हमारा वीडियो यही रहेगा कि हम लोग डाटा और लेटर पहले से बना चुके थे, उसको हम लोग कैसे मर्ज किए स्टेप बाय स्टेप बताए। इस वीडियो में हम नेक्स्ट और बताएंगे, उसमें कोशिश करेंगे कि स्टेप इनवेलप बताएंगे, लेबल बताएंगे,
और बारी बारी से सारा कंसेप्ट हम आपको बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेल मर्ज में लेटर बनाना सीखे कि लेटर को एड्रेस पे कैसे मर्ज कराएं और कैसे हम लोग मर्ज करते हैं, इसके स्टेप के बारे में हम लोग जानें। तो हमारा ये वीडियो आज मेल मर्ज का इतना ही रहेगा और इतना ही हम बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम और आपको डिटेल बताने की कोशिश करेंगे। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में जाके ऑल कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं, आपको वीडियो डालें, तो नोटिफिकेशन आपको समय समय पर उसका मिलते रहेगा।